रहीम, आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, उसका मई जून 2021 का पेपर 3 जो ए लेवल अकाउंटिंग का पेपर है उसको हम करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, आपको प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा मई जून 2021, वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा फेब और मार्च 2021 के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने सॉल्व कराए हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड रिसोर्स फॉर प्रैक्टिस, कि आप इसको इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग दिस मटेरियल, क्योंकि तमाम टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम्स के अंदर आते हैं नॉर्मली, और पास्ट पेपर्स जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू गेट इजीली ए प्लस इन योर एग्ज़ाम, क्योंकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो भी ये पेपर बिल्डअप करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि आप देख रहे होते हैं कि डिफरेंट तरीके से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को पूछता है और वो रिपीट भी हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं मुख्तलिफ कंसेप्ट के साथ। तो इफ़ यू कम्प्लीट 5 और 6 ईयर्स जो पेपर्स हैं वो अगर आप कर लेते हैं तो फेयरली गुड एक पॉसिबिलिटी होती है कि इंशाल्लाह यू विल बी क्वालिफाइंग विद फ्लाइंग कलर्स। सो विद दिस इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंसाइनमेंट से रिलेट्स करता है, और ये भी आपके एग्जाम के अंदर आता है कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट के ऊपर जब माल कंसाइनर भेजता है, और कंसाइनर है उसमें एक, अगर आप कंसाइनमेंट के ऊपर माल बेचते हैं तो आप कंसाइनर होंगे, जो रिसीव करेगा वो कंसाइनी होगा, और जो चीज़ें जा रही होंगी वो कंसाइनमेंट उसको कहते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर। कंसाइनर जो माल भेजेगा बेचता है जिसका ये माल है, कंसाइनी जो कमीशन के ऊपर काम करता है, और कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइक इनकम स्टेटमेंट टाइप का एक अकाउंट होता है जिसके अंदर एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, रेवेन्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं, और इसका डिफरेंस जो है वो इनकम प्रॉफिट और लॉस की सूरत में सामने आता है। और ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता कौन है, ये कंसाइनर बनाता है जो माल कंसाइनमेंट के ऊपर बेचता है। अच्छा, होती क्या स्टोरी है, मैं आपको थोड़ा सा इस पे जाने से पहले इंट्रोडक्शन दूं ताकि आपकी समझ आए कि यार कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। इट्स वेरी इजी, इसको समझने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो लाइक प्रॉफिट एंड लॉस जैसे मैंने बताया कि उसकी तरह का अकाउंट होता है, और इसके अंदर एक कंसाइनर है वो जो जिसका माल है, एक कंसाइनी है जो कमीशन के ऊपर काम करता है और उसे कमीशन मिलता है, सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो माल है ऑनर है वो बेसिकली कंसाइनर होता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे अगर आप जाते हैं और ग्रॉसरी शॉप के ऊपर आपने देखा होगा कि जो ब्रेड है वो रखी होती है, एग्स रखे हुए होते हैं सारे के सारे, और वो फ्रेश मिलते हैं आपको ग्रॉसरी शॉप के ऊपर। वो जो ब्रेड है आप लेके चले जाते हैं, जो ब्रेड बिकने से बच जाती है, जो सेल नहीं होती, वो ये ब्रेड रखने वाली जो कंपनीज हैं वो जब आती हैं नेक्स्ट डे तो ये ब्रेड उठा के वो ले जाती हैं और फ्रेश ब्रेड जो है वो रख देती हैं। तो बेसिकली वो जो रिटेल शॉप है, जो ग्रॉसरी शॉप है जिसके अंदर से आप जाके चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली कंसाइनी है, आप समझने के लिए समझें। और कंसाइनर कौन है, ब्रेड कंपनी जो है वो कंसाइनर है, वो क्या करती है कि अपना माल रखती है इस कंसाइनी रिटेल शॉप के अंदर, और जो कंसाइनी है उसको क्या फ़ायदा होता है कि हर ब्रेड के ऊपर उसका कमीशन कह लें या रिटेल जो भी प्राइस ब्रेड की होती है उस पर एक सर्टेन पार्ट जो है वो इस कंसाइनी या ग्रॉसरी वाले को मिल जाता है, कि जितनी वो सेल करेगा उसके हिसाब से उसे कैलकुलेट कर लेते हैं और वो पैसे उसको मिल जाते हैं। तो इट्स एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट कि नॉर्मली क्या होता है कंसाइनी। इसी तरीके से बाजूका ये होता है कि एग हो गए, ब्रेड हो गई, मैंने आपको एग्जाम्पल दी, नॉर्मली जो आपके जो क्लॉथिंग होती है कि क्लॉथ वगैरह जो है इसी कंसेप्ट के तहत बिक रहे होते हैं। अगर आप इम्तियाज़ जाएँ या किसी बड़े शॉपिंग सेंटर के अंदर जाएँ तो वहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि डिफरेंट शोकेस होंगे जिसके अंदर डिफरेंट कंपनीज़ की प्रोडक्ट रखी हुई होगी,
और वो क्या करते हैं, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उन प्रोडक्ट्स को ये बारे में बता भी रहे होते हैं और बेच भी रहे होते हैं। बिक तो वहाँ खुद ही रहा होता है, कंज्यूमर जो भी जाता है वो उसे सेलेक्ट करके ख़रीद लेता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव उनके होते हैं। तो वो जो प्लेस होती है वो एक्चुअली रेंट के ऊपर दी हुई होती है एक शॉपिंग सेंटर ने, कि वो रेंट लेते हैं उसका और उसके साथ कमीशन भी लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट वहाँ बिक रही है तो उसका एक सर्टेन पार्ट जो है वो इन शॉपिंग सेंटर्स या जो भी आपका आउटलेट्स हैं वो फिर कमीशन के तौर पे इसको लेते हैं। तो ये कंसाइनर कंसाइनमेंट और कंसाइनर और कंसाइनी, ये बड़ा एक मार्केट के अंदर यूज़ होता है ये, और इसके अंदर होल कंसेप्ट जो होता है वो ये होता है कि कंसाइनर अगर आप हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और ये माल भी आपका होगा और जो इन्वेंट्री होगी उसको भी आप अपनी ही बुक्स के अंदर दिखाएंगे। कंसाइनी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कंसाइनी अगर कोई एक्सपेंसेस करता है कंसाइनर के बिहाफ के ऊपर तो वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कंसाइनर जो है वही अपने पास रिकॉर्ड करेगा। कंसाइनी किसी भी खर्चे को अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर वो पेमेंट कर रहा है किसी खर्चे की तो वो कंसाइनर को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट कर देगा, और जो खर्चा उसने पे करा है वो अपनी किताबों में रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि कंसाइनर को एज ए डेटर के कंसाइनर से ये पैसा लेना है उसको डेबिट करेगा। तो दैट्स द कंसेप्ट जो आपको समझने की ज़रूरत है कि कंसाइनी का जो भी खर्चे कंसाइनी कर रहा है कंसाइनर के बिहाफ के ऊपर, वो सारे खर्चे भी वो किससे लेगा, कंसाइनर से लेगा। कंसाइनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स। समटाइम्स ये कंसेप्ट कंट्री डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान भी हो रहा होता है कि ये कंट्री के अंदर कोई कोई प्रोडक्ट है और वो ऐसे हम जो सवाल करने जा रहे हैं आई थिंक इसमें मोटर व्हीकल्स का है कि कोई एक बंदा है कंसाइनर, वो कंट्री ए के अंदर रहता है, कंट्री बी के अंदर उसने एक कंसाइनी तलाश किया और उसने उससे कहा कि मैं मोटर व्हीकल जो है तुम्हारे पास भेजता हूँ, तुम इसको भेज इसको सेल करो मार्केट के अंदर, अगर जितना सेल करोगे मैं तुम्हें उसके ऊपर कमीशन दूंगा। तो अब ये दो कंट्रीज़ का मकसद है, इसके अंदर फ्रेट भी आ जाएगा क्योंकि ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री प्रोडक्ट मूव होगी, फ्रेट है, इंपोर्ट ड्यूटी भी आएगी क्योंकि कंट्री से ऐसे तो नहीं आएगा ना, इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इसी तरीके से डिफरेंट खर्चे होंगे, तो खुद कुछ खर्चे जो हैं वो कंसाइनी कंट्री बी के अंदर बेयर करेगा, वो जितने खर्चे बेयर करेगा वो सारे के सारे खर्चे अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि अपने पास सिर्फ कंसाइनर को डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि ये खर्चे उसके हैं ही नहीं। ही मेट द एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। ये सारे खर्चे जो कंट्री ए के अंदर बंदा बैठा हुआ है जो कंसाइनर है वो अपनी कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेगा। तो कंसाइनमेंट और कंसाइनी के कंसेप्ट के अंदर आप ये बात समझ लें, कंसाइनर कंसाइनी और कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही एक शक्ल है जिसमें जितने खर्चे जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे डेबिट साइड के ऊपर आ जाएंगे और जितने रेवेन्यूज़ हैं और एंडिंग इन्वेंट्री है वो क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगी। इसका डिफरेंस हम देख लेंगे आखिर के अंदर। अगर क्रेडिट साइड क्योंकि रेवेन्यू आप क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं और कॉस्ट आपकी डेबिट साइड के ऊपर जा रही है, एंडिंग इन्वेंट्री क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगी। सिंपल कॉस्ट ऑफ सेल्स का कंसेप्ट है कि सारे खर्चे हैं जो माल बिकने से बच गया वो फिर आप एंडिंग इन्वेंट्री फॉर्म में क्रेडिट साइड के ऊपर लिख देंगे। डिफरेंस जो आएगा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस है। फिर इसमें कमीशन भी एक्सपेंस साइड के ऊपर ही डेबिट साइड के ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो विद दिस ऑल कंसेप्ट हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये अगर जो बातें मैंने कही हैं आप इसको बार बार सुने, कंसाइनर कंसाइनी एंड कंसाइनमेंट। कंसाइनर जो है उसका माल है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे खर्चे वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा और कंसाइनमेंट अकाउंट वही अपने पास बना रहा होगा। कंसाइनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ कमीशन के ऊपर काम कर रहा होता है और वो कमीशन अपने पास कमीशन इनकम जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करता है। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको और एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। अभी इस सवाल के लिए इसका इंट्रोडक्शन है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 10 नॉर्मली सेल्स मोटर्स इन कंट्री ए। 10 जो है कंट्री ए के अंदर मोटर्स बेचता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ही मेड सेल्स ऑन ए कंसाइनमेंट बेसिस इन कंट्री बी। के कंसाइन उसने कंट्री बी जो है उसके अंदर ये कंसाइनमेंट उसने भेजी। तो ये मोटर्स हैं इसकी, कुछ मोटर व्हीकल नहीं बल्कि मोटर्स हैं किसी जो चल रही होंगी, तो वो मोटर्स उसने भेजी। 10 सेंट 400 मोटर्स टू नदीम। नदीम को उसने कंट्री बी के अंदर जो है ये मोटर्स जो हैं वो भेजी ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021
2021 के अंदर उसने ये मोटर्स 400 मोटर्स जो हैं वो उसने नदीम को भेजी कंट्री बी के अंदर। तो मैं जो अभी आपसे डिस्कशन करके आ रहा हूँ उसमें क्या हुआ कि टैंक जो है वो क्या हो गया, ये कंसाइनर हो गया, और ये जो नदीम है ये क्या हो गया, कंसाइनी हो गया, और ये मोटर्स ये जो अकाउंट बनाएगा कौन अकाउंट बनाएगा, टैन बनाएगा अपने किताबों में, वो क्या बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से आपकी समझ में अगर आ गई तो ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी आपकी। तो कंसाइनमेंट जो है वो एक्चुअली मोटर्स जो बिक रही हैं वो फिर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हम सारी मूवमेंट्स दिखाएंगे इसकी, और टैन जो है वो कंसाइनर है, नदीम कंसाइनी है, कंट्री बी के अंदर बैठा हुआ है, कंट्री ए के अंदर कंसाइनर है। उसके बाद कहता है द कॉस्ट ऑफ ईच मोटर इज़ $500, हर मोटर की जो कॉस्ट है $500 है। द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ ईच मोटर इज़ $700, कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है जो मोटर बिकती है वो $700 के ऊपर बिकती है, बट टेन आस्क नदीम टू सेल एट $650 ईच। लेकिन उसने नदीम ने कहा, टैन ने नदीम से कहा कि भाई तुम इसको अपनी कंट्री के अंदर $650 की भेजो। अब इसकी डिफरेंट रीजन्स हो सकती है, मार्केट पेनिट्रेशन कहलाती है। मार्केट पेनिट्रेशन का मकसद है कि जब किसी नई मार्केट के अंदर आप एंटर होते हैं तो पेनिट्रेट करना चाहते हैं। पेनिट्रेशन के अंदर आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनी ये बनाते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप लो प्राइस रखते हैं। लो प्राइस का मकसद है कंपटीशन, अगर आपके पास है तो कंपटीशन को बीट करने के लिए आप लो प्राइस स्ट्रेटेजी करके मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं, ताकि उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट बिकनी तो शुरू हो। वंस दे आर सोल्ड पीपल नो अबाउट द प्रोडक्ट, देन यू कैन इंक्रीज द प्राइस एज पर आपका जो भी लेवल है आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अनलेस आपके प्रोडक्ट जो है उसकी अवेयरनेस ही नहीं है मार्केट को, तो हाउ वुड यू एम टू से कॉम्पेट विद द रेस्ट ऑफ द पीपल हु have been selling for quite a long time, they have good reputation in the market, so definitely low price strategy is a very good strategy and you can sell your product and you can penetrate in the market. So that's why isne ye kaha hai ki 700 nahi balki $650 each ke hisab se beche. The following information is also available. ये information available है, क्या है, नदीम is allowed a commission of 8% of net sales revenue, कि जो भी net sales revenue है उसका 8% उसको commission मिलेगा। देखें अब ये आ गया commission, नदीम सिर्फ इसके लिए काम कर रहा है, बाकी नदीम किसी भी खर्चे को मैंने जैसे कहा रिकॉर्ड नहीं करेगा। हम पढ़ते हैं, टेन रिसीव $500 डिपॉजिट फ्रॉम नदीम बिफोर द गुड्स फॉर सेंड, के नदीम डेफिनेटली नदीम को भी प्रॉफिट है, टैन की ये मोटर्स हैं, टैन जो है वो अपनी कंट्री जो कंट्री ये है उसमें एक रेप्यूटेबल मैन्युफैक्चरर है जो भी ट्रेडिंग करता है। नदीम को एडवांटेज ये है कि उसको ये पूरी फ्रेंचाइज एक तरीके से कह लें कि वो एजेंट बन रहा है, किसका एजेंट बन रहा है, टैन का एजेंट बन रहा है, और ये आगे प्रॉफिट कमाएगा। तो इसको भी कुछ श्योरिटी देने के लिए क्या करना पड़ता है कि कुछ पैसे डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, क्योंकि टैन जो है वो भी रिस्क ले रहा है, उसकी इन्वेंट्री इसके पास आ रही है, तो इन्वेंट्री ख़राब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट जो है वो नदीम ने उसको दी, और वो सर्टेन अमाउंट यहाँ पर $5,000 बनती है। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, आप भी अगर एजेंट बनेंगे किसी के तो वो कुछ तो आपसे सिक्योरिटी चाहेगा ना, भैया आप भाग नहीं जाएं, आप ऐसा नहीं, कुछ तो जमा कराएं ना, ताकि कुछ पैसे तो उसके पास भी हों कि अगर कोई हैंगी पेंगी होती है तो वो भी सिक्योर फील करें अपने आप को। तो ये $5,000 जो है उसने नदीम ने उसको डिपॉजिट कराए, और उसके बाद कहता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय टैन, टैन ने जो और ये क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ये $5,000 जो है वो हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि तो डिपॉजिट है और वो अपने पास डिपॉजिट उसको रिकॉर्ड करेगा, इसे लाइबिलिटी अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होगा। और कंसाइनमेंट जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट शो नहीं करते। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय टेन, अब ये देखें टेन ने इनकर्ड करे, फ्रेट उसने दिया, इंश्योरेंस भी उसने पे करा, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री माल आ रहा है, वेदर प्लेन से आ रहा है या बाई सी आ रहा है, अगर रास्ते में कुछ हो जाएगा तो इंश्योरेंस होगी तो इसको पैसे मिल जाएंगे, वो भी पे करा, पैकिंग भी इसने करी उसको प्रॉपर तरीके से। तो ये तीन कॉस्ट उसकी लगी, ये कंसाइनमेंट में आएंगी, एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय नदीम, नदीम ने भी कुछ एक्सपेंसिस करे, मैंने बताया था ना ऑन बिहाफ ऑफ टेन, टेन के बिहाफ पे इम्पोर्ट ड्यूटी इसकी कंट्री में आया तो इम्पोर्ट ड्यूटी पे करी, स्टोरेज इसने पे करी है जहाँ ये रखेगा उसका किराया इसने पे करा, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट माने सी से आया है, सी से आने के बाद में वेयर हाउस तक आने में ये खर्चा लगा, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वेयर हाउस टू कस्टमर, वेयर हाउस से कस्टमर तक जाने के अंदर ये खर्चा लगा, एंड सेलिंग एक्सपेंसिस मजीद उसने सेलिंग के ऊपर कोई मार्केटिंग कंपेन चलाई, कुछ पब्लिसिटी करी, तो उस पर भी $4,400 लगे। तो दीज एक्सपेंसिस आर इनकर्ड बाय नदीम
और ये कंसाइनी के बिहाफ, किसके बिहाफ पे, कंसाइनर के बिहाफ पे वो कर रहा है, तो इसकी ये इन एक्सपेंसेस को वो अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, 1800, 2700, 2200, 2600, तो ये $13,700 जो बनते हैं ये फिर वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा और एंट्री क्या पास करेगा, कंसाइनर को डेबिट कर देगा, कंसाइनर 10 है और बैंक को क्रेडिट कर देगा। तो ये एक्सपेंस बस ये एंट्री वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि कंसाइनर को क्यों डेबिट करेगा, क्योंकि 10 से ये पैसा उसको लेना है। तो दीज आर नॉट एक्सपेंसिज, वो अपने उसके अपने एक्सपेंसिज नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको समझने का। नदीम सोल्ड 300 मोटर्स एट $650 ईच। नदीम ने 300 मोटर्स जो है $650 के हिसाब से बेच दी, तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 650 कितने बनते हैं मेरे भाई, ये 300 मल्टीप्लाइड बाई 650 195,000। और उसके बाद एंड 60 वर सोल्ड विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। और 60 मोटर्स जो हैं वो 650 60 जरब 650 39,000। लेकिन इसका 95% पैसा इसके पास आया है, क्योंकि 5% इसने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। बल्क परचेजेस के ऊपर जो है, बल्क सेलिंग के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, वो किताबों के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। आप पढ़कर आ रहे होंगे ओ लेवल एस लेवल से कि ट्रेड डिस्काउंट इनवाइस के ऊपर शो करते हैं, इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। तो 39,000 बेसिकली है, इसमें 95% पैसा आपके पास आया, तो 37,000 50 ये एक्चुअली आपके पास ये आया, और 195,000 आपने ये आया। मैं इन दोनों को अगर प्लस कर दूं तो ये 232,050 ये आपका सेल्स रेवेन्यू है। ये एक्चुअली जो मोटर्स आपकी बिकी हैं, $232,050 की मोटर्स आपकी बिकी। द टू रिटर्न मोटर्स वर रिप्लेस बाय टू न्यू मोटर्स। ये अच्छा, उसके बाद आगे कहता है कि आउट ऑफ द मोटर सोल्ड टू मोटर्स वर रिटर्न, दो मोटर्स वापस आ गई। द टू रिटर्न मोटर्स वर रिप्लेस बाय टू न्यू मोटर्स विच हैड बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। ये कुछ खराबी थी इसके अंदर, ये वापस आई, और ये वापस आने के बाद नई मोटर्स हमने उनको दे दी। तो इसका मकसद है सेल्स रेवेन्यू के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रेवेन्यू तो आपका वही रहा, क्योंकि पैसे आपको वापस नहीं करने पड़े। अलबत्ता ये हुआ कि जो रिटर्न मोटर है उसका देखते हैं। द टू रिटर्न मोटर्स रिमेंड अनसोल्ड एट 31 मार्च 2021, ये बिकी नहीं 31 मार्च 2021 तक। एंड ईच हैड ए नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ $450, और हर एक की वैल्यू जो है वो नेट रियलाइजेबल माने कि अब जो मार्केट के अंदर बिकेंगी वो $450 की बिकेंगी। एक्चुअली हमारी मोटर की जो कॉस्ट है, वो मोटर की कॉस्ट है हमारी $500। ये देख रहे हैं ये 500, इसको आप जहन में रखिएगा। तो ये $500 तो कॉस्ट है उसकी, हमारे हिसाब से बनती है, लेकिन क्योंकि अब ये मार्केट के अंदर, और इसके ऊपर मजीद भी कॉस्ट लगी है हमारी, तो IAS 2 एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपकी किताबों के अंदर भी शामिल है, आपके सिलेबस का पार्ट है, वो इन्वेंट्री से रिलेटेड बताता है कि कौन सी कॉस्ट को आप इन्वेंट्री के अंदर शामिल करें। एंडिंग इन्वेंट्री जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन के अंदर जो और जो कॉस्ट लगी है, लाइक फ्रेट लगा है, इंश्योरेंस लगा है, तो ये सब इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर हम फिर ऐड करेंगे ले जाके, और ये IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से हम करेंगे। अब हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो IAS 2 जहन में रखिएगा, जो इन्वेंट्री से रिलेट्स करता है और आपके सिलेबस का पार्ट भी है, वो आपको बताता है कि इन्वेंट्री, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो ये $450 है, इसको हम कंपेयर करेंगे अगर कॉस्ट से तो अपेरेंटली ये कम है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये दो मोटर्स जो हैं, क्योंकि देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि 400 मोटर्स थी आपकी, ये देख रहे हैं 400 मोटर्स, ये 400 मोटर्स में से आपकी 300 मोटर्स ये बिक गई, 60 ये बिक गई, तो आपके पास 360 का मकसद है 40 मोटर्स जो हैं आपके पास बाकी बची, और 40 में से 2 जो हैं वो ये रिटर्न वाली हैं और 38 जो है वो सही है, ये ध्यान में रखिएगा। 2 ये रिटर्न आई हैं जिसको 450 के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, बाकी फिर जो कॉस्टिंग हम निकालेंगे उस पर रिकॉर्ड करेंगे।
कहता है एक्सप्लेन टू एट डिज उसके बाद ये आपका सवाल खत्म हो गया। एक्सप्लेन टू डिसएडवांटेजेस टू ए कंसाइनर इन मेकिंग सेल्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। दो आप डिसएडवांटेजेस बताएं। देखिए पहले एडवांटेज तो ये है कि आप अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, क्योंकि कंसाइनर क्या कर रहा है, जैसे ही उसके हाथ से ये चीज़ें निकलेंगी तो फिर अपना कंट्रोल उसका इसके ऊपर कुछ नहीं है। रिस्क है कि ये जो मटेरियल है ये हो सकता है कंट्री बी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जो कंसाइनी उसने चुना है वही उसको चूना लगा के निकल जाए या उसको फ्रॉड कर ले, तो एक रिस्क आपका बढ़ जाता है कि इन्वेंट्री के ऊपर से आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। जैसे हमने देखा कि टेन ने अगर 400 मोटर्स जो है बी को कंट्री बी के अंदर अगर भेजी हैं, तो अगर कंट्री बी के अंदर जो नदीम बैठा हुआ है अगर वो मसला कर देता है तो ये कंट्री टू कंट्री पर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक रिस्क तो ये क्रिएट होता है कि आप अपना कंट्रोल लूज कर रहे होते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री जो आपकी इन्वेंट्री है उसकी सेफ गार्डिंग प्रॉपर नहीं होती, ये भी आप रिस्क ले रहे होते हैं डिसएडवांटेज। सेकंड ये कि आपकी दो कॉस्ट और बेयर हो रही होती है, फ्रेट आपको लगता है, पैकिंग मटेरियल सब लगा के आप इंश्योरेंस ये सब करके आप दूसरी कंट्री के अंदर भेज रहे हैं, और उसके बाद कमीशन, तो फ्रेट और कमीशन जो है ये आपके प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो कम कर देता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है लॉस ऑफ कंट्रोल इंक्रीज रिस्क कर देता है, इन्वेंट्री मे नॉट बी सेफ गार्डेड रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वैल्यू, ये भी हो सकता है। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड, प्रॉफिट रिड्यूस आपका हो जाएगा, कमीशन एंड फ्रेट आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है, तो कंट्रोल लूज हो गया। फ्रॉड एंड फ्रॉड का भी रिस्क इसके अंदर होता है, जैसे इसमें लिखा है इन्वेंट्री की सेफ गार्डिंग के इशूज आ जाते हैं इसके अंदर, और आपको क्योंकि उस जगह कंसाइनी के सब कंट्रोल में चला जाता है, आपके पास तो होता नहीं है। ये वाली कंडीशन तो और डेंजरस है जिसमें आप एक कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं और दूसरी कंट्री के अंदर आपका कंसाइनी बैठा हुआ है। वो जो ब्रेड वाली मैंने एग्जांपल दी थी उसमें तो चले फिर भी कंट्रोल है कि आप रोज़ाना आके, या जो शॉपिंग सेंटर की मैंने एग्जाम्पल दी थी कि वहाँ तो फिर भी आपका टू सम एक्सटेंट वहाँ कंट्रोल है कि आप खड़े होकर खुद देख रहे हैं, हर अगले रोज़ आके अपनी इन्वेंट्री को चेक करते हैं, जो ख़राब होती है उसको लेके चले जाते हैं। तो ये इसका मसला था जनाब। कहता है प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टेन। अब देखें मैंने कहा था कंसाइनर की किताबों के अंदर बनेगा, ये कंसाइनर टेन है, उसने कहा था टेन की किताबों के अंदर बनाइए कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में आपको बताकर आ रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये देखें कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसकी एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पर जितने खर्चे हैं वो रिकॉर्ड करें, और क्रेडिट साइड पर रेवेन्यूज जो आपके पास आ रहा है, तो नेट नदीम को जो आपने सेल्स करी है, सेल्स की वर्किंग करके मैंने आपको बताई है कि सेल्स जो है वो क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर चली जाएगी। तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट को जो है वो क्रेडिट साइड के ऊपर सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं अपनी। तो ये सेल्स कितनी हुई है आप देखें कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर, आप अगर देखें तो सेल्स मैंने आपको देखें खुद भी बताइए 232,050। आपने देखा कि मैंने कहा था कि ये सेल्स है आपकी, तो ये आपको क्रेडिट साइड के ऊपर नज़र आ रही होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं सेल्स की वजह से, और उसके बाद जितने मैंने कहा था गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, अब ये जितनी कॉस्ट हैं सारी के सारी जो खर्चे हुए, तो सबसे पहले तो देखिए 400 जो मोटर्स आपने जो 400 मोटर्स जो भेजी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने, कंसाइनी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया आपने। कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट सेंड टू कंसाइनी आपने ये कर दिया उठा के, और ये क्या है देखें कितना है, ये 400 मोटर्स हैं ये आपने, तो आप क्या करेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, जो कंसाइनमेंट के ऊपर आपने माल भेजा तो वो डेबिट हो गया आपका कंसाइनमेंट अकाउंट उसकी वजह से। उसके बाद जितने खर्चे हैं सारे के सारे, जैसे फ्रेट है, इंश्योरेंस है, पैकिंग है, ये तीन खर्चे जो हैं इनको भी रिकॉर्ड करते हैं, फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पैकिंग हो गई, और जितने खर्चे कंसाइनी ने करे हैं वो सारे खर्चे भी आप यहाँ पे 1,800 से लेके $4,400 तक, ये सारे के सारे 1,800, 2,700, 2,200, 2,600 एंड 4,400 ये सारे खर्चे जो कंसाइनी ने किए थे, इनकी वजह से भी कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा डेबिट हो जाएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने, और ये सारे खर्चे जो हैं आपने डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर दिए। ये सिंपल इसका कंसेप्ट है। और उसके बाद आप आते हैं कमीशन के ऊपर, तो कमीशन देखें सेल्स रेवेन्यू कमीशन कितना था, कमीशन जो है ये भी खर्चा है आपके लिए टेन के लिए, क्योंकि उसे ये पे करना पड़ेगा। और कमीशन कितना है वो हम देख लेते हैं, कमीशन 5% कमीशन के ऊपर कितना 8% कमीशन है। नेट सेल्स रेवेन्यू, नेट सेल्स रेवेन्यू कितनी है 232,050 का 8% आप निकाल लें जो कमीशन है, तो 232,050 मल्टीप्लाइड बाई 8%, तो व्हाट यू गेट 18,564।
$18,564 आप देख रहे होंगे कि नदीम कमीशन लिख के डेबिट। मैंने कहा था जितने खर्चे हैं इसको हम और भी कंसाइनमेंट जब आगे आएगा तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं वो भी हम फिर आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इस सवाल की हद तक सिंपल समझेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है। तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट जो है उसकी वजह से कंसाइनमेंट को डेबिट करते हैं और सारे खर्चे रिकॉर्ड कर देते हैं, जो कमीशन है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। एक होता है सेल्स को, मैंने कहा रेवेन्यू को क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करें, और इन्वेंट्री जो बच गई है आपकी, अब ये इन्वेंट्री जो बची है इसकी कॉस्टिंग आप IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है उसके हिसाब से करेंगे। और IAS 2 आपसे क्या कहता है, IAS 2 कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 2 इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्री इज इट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर डिटर्मिन the cost of inventories and for subsequently recognizing an expense including any write down to the net realizable value कि अगर कोई loss हो रहा है net realizable value कम हो गई है तो उसको भी record करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो जो आप कॉस्टिंग शामिल करते हैं हमारे इस सवाल के अंदर, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री जब कर रहे होंगे तो कॉस्ट शुड इंक्लूड ऑल, जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या करेंगे जब मेजरमेंट करेंगे इसकी इसकी कॉस्ट को करेंगे तो किन चीज़ों को करेंगे, कॉस्ट ऑफ आपका कॉस्ट ऑफ परचेजेस है इंक्लूडिंग टैक्सेस ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, आपका हुआ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है इंक्लूडिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, के प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन क्या है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी है, ये सारी चीज अगर चीज़ें आप नहीं पे करेंगे तो इन्वेंट्री आप कंडीशन प्रेजेंट आपकी जो लोकेशन है वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और बिकेगी नहीं। तो उसको सेलेबल बनाने तक जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सब इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं। और इन्वेंट्रीज कॉस्ट शुड नॉट इंक्लूड, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर कौन सी चीज़ें आप शामिल नहीं करेंगे, अब नॉर्मल अगर वेस्टेज है तो उसकी कॉस्ट में शामिल ना करें। और स्टोरेज कॉस्ट, जो स्टोरेज है जहाँ आपने रखा है उसको लाके उसको भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल ना करें। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है उसको शामिल ना करें। सेलिंग कॉस्ट को आप उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल ना करें। फॉरन एक्सचेंज अगर हो गया है ये फिर हम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट इसको रहने दें अभी नहीं है। आप यहां जो स्टोरेज कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गए सेलिंग कॉस्ट हो गई इनको आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे, ये मैंने इसलिए आपको पढ़ाया। अब आते हैं हम सवाल की तरफ दोबारा अपने, तो इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए उसके अंदर ये हो जाएगा इंक्लूडिंग, इसने दो तरीकों से बताया, कहता है एक्सक्लूडिंग स्टोरेज और इंक्लूडिंग। अब ये इंक्लूडिंग स्टोरेज जो है ये आप काट दें क्योंकि आप पढ़कर आ रहे हैं कि जो स्टोरेज को शामिल करके आप IAS 2 ये कहता है कि स्टोरेज को आप शामिल इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर नहीं करेंगे, तो इसलिए ये वाला पार्ट तो यहाँ से हटा दें। एक्सक्लूडिंग स्टोरेज जो है, क्योंकि देखें स्टोरेज की कॉस्ट लगी है असल में, जो मकसद था समझाने का, ये स्टोरेज आप देख रहे होंगे 2700, तो इसको हम इन्वेंट्री के कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पोर्ट टू वेयर हाउस ये करेंगे, लेकिन वेयर हाउस टू कस्टमर ये नहीं करेंगे। और सेलिंग एक्सपेंस ये वाली दो कॉस्ट जो है, क्योंकि ये इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में जितने खर्चे हो रहे हैं, तो तीन खर्चे ये हो गए 4600, 1200, 600। देखें 200,000 की तो उसकी कॉस्ट थी जो आपने भेजी है, अब 400 मोटर्स थी, $500 के हिसाब से कॉस्ट है उसकी, कॉस्टिंग पड़ती है कि, तो 200,000 तो ये आ गए, फ्रेट आ गया, इंश्योरेंस आ गया और पैकिंग, जो 10 ने अपने पास खर्चे करे हैं वो तीन खर्चे इसकी कॉस्ट में शामिल होंगे। और उसके बाद जब ये यहाँ आई है नदीम के पास पहुँची तो नदीम ने दो कॉस्ट लग रही हैं, एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है और एक ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पोर्ट टू वेयर हाउस, एक $2,200 ये हैं, 1,800 ये स्टोरेज, मैंने IAS 2 आपको पढ़ाया अभी कि एज पर IAS स्टोरेज की कॉस्ट को इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। और उसके बाद जो वेयर हाउस टू कस्टमर है ये फिर सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि ये भी उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं करते और सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं करेंगे। तो देयर आर ओनली टू कॉस्ट, एक इम्पोर्ट ड्यूटी, एक ट्रांसपोर्टेशन है जो पोर्ट से वेयर हाउस तक लाने में आपको लगी। तो ये सारे खर्चे जब आपने प्लस करे तो $210,400 आपका बनता है, और ये 400 यूनिट्स थे जो एक्चुअली आपने भेजे थे, तो कॉस्टिंग आपकी ये आ गई, इससे डिवाइड किया आपने तो $526 पर यूनिट इन्वेंट्री का आपको पड़ा, $526 पड़ा। और आपको पता था कि 38 यूनिट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं जो आपके बचे हैं, मैं अभी पता आपको समझा के आ रहा हूँ, तो 38 जो है उसको आप मल्टीप्लाई करें इस $526 से, तो ये 1,998 डॉलर बनता है आपका, तो ये आ गया।
और उसके बाद जो दो यूनिट्स हैं जो रिटर्न हो गए, ख़राब आ गए थे, उसकी कॉस्ट उसने नेट रियलाइजेबल वैल्यू बताई है आपको 450। तो विच एवर इज़ लॉयर का मकसद है 526 और एज़ कम्पेयर टू 450, 450 जो है वो लॉयर है, तो टू जो आपके रिटर्न वाले आइटम्स हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे $450 के ऊपर जो उसने दिया है। इन दोनों को प्लस करा तो एंडिंग इन्वेंट्री $20,888 आती है आपकी। तो $20,888 आपने क्रेडिट साइड पर लिखी। आप पूछेंगे क्रेडिट साइड के ऊपर मैंने क्यों लिखी, क्योंकि देखिए कॉस्टिंग यहाँ है, इसमें से इसको माइनस करेंगे जब ही कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आएगा, क्योंकि इन्वेंट्री जो भेजी थी परचेजेस समझ लें, परचेजेस में से ये बच गया, जब भी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। रेवेन्यू क्रेडिट साइड के ऊपर है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट साइड के ऊपर है, तो प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। दैट्स द पॉइंट जो मैं कह रहा था कि कंसाइनमेंट अकाउंट को आप ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ट्रीट करें बिल्कुल, और कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे हम जब पढ़ेंगे और इंशाल्लाह एंट्रीज वगैरह भी, फिर मैं आपको डिटेल्ड से समझाऊंगा कि एक्चुअली इसकी एंट्रीज क्या क्या होती हैं। जितनी ज़रूरत थी इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया है, बस उनको जहन के अंदर रखें, बाकी ग्रेजुअली हम आगे पढ़ेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपने देखा लाइक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है कि इसकी कॉस्टिंग और एक्सपेंसेस डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड के ऊपर रेवेन्यू को और एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। कमीशन जो देते हैं वो भी डेबिट साइड के ऊपर आता है। अब उसके बाद कमीशन को निकालने के बाद देख लें कि आपकी डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कितना है। तो एक्चुअली डेबिट साइड आपकी 250 सॉरी आपकी जो डेबिट साइड है वो $14,274 से कम है, क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी 252,930 है। तो 252,938 माइनस 14,274, तो ये यहाँ तक का टोटल अगर आप करें कैलकुलेटर पे तो ये 238,664 ये बनता है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए आपकी जो डेबिट साइड है वो कुछ कम है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसलिए प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कहलाएगा, जो मैं समझा के आ रहा हूँ। अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाती तो लॉस ऑन कंसाइनमेंट होता, कि इस पूरी कंसाइनमेंट पे 10 को फ़ायदा हुआ है $14,274 का। होप आपकी समझ आया होगा ये कंसेप्ट, कंसाइनर, कंसाइनी, कंसाइनमेंट और क्या होता है इसमें। तो ये आपने देखा एंडिंग इन्वेंट्री, IAS 2 भी आपने इसके अंदर देखा, मैंने आपको समझाया। IAS पर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे तो हम कर ही रहे। आगे कहते हैं एक्सप्लेन थ्री रीजंस व्हाई 10 सेल्स मोटर एट अ लोअर सेलिंग प्राइस फॉर द कंसाइनमेंट बेसिस, के क्यों बेच रहा है। तो मैं आपको बता के आ रहा हूँ, लो प्राइस स्ट्रेटेजी, मार्केट पेनिट्रेशन, यही तमाम चीज़ें हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, बिल्डिंग मार्केट शेयर, कि वो मार्केट शेयर कंट्री बी के अंदर लेना चाहता है, कंपटीशन इन कंट्री बी ज़्यादा है, बेंचमार्किंग विद द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, के में भी जो ये मोटर्स है वो कॉम्पिटिटर्स लोअर प्राइस के ऊपर बेच रहे हो, हालांकि 10 की क्वालिटी हो सकता है अच्छी हो, लेकिन आप बेंचमार्किंग कैसे करेंगे, कॉम्पेयर नहीं होगा, तो आपकी प्रोडक्ट उस मार्केट के अंदर नहीं बिकेगी। तो ये रीज़न हो सकती है मार्केट कंडीशन, इनकम लेवल इन कंट्री बी, मैं भी इनकम लेवल कंट्री बी का लोअर साइड के ऊपर हो, तो द कंज्यूमर्स विल बाय द चीपर मोटर्स, के चीपर मोटर्स वो खरीदेंगे, तो दे मे बी द रीजंस के एक्चुअली इन सब के पीछे मार्केट पेनिट्रेशन, जो मैंने आपको बताया कि मार्केट पेनिट्रेशन करने के लिए सब स्ट्रेटेजीज आप करते हैं ताकि शेयर आपका जो है उस मार्केट के अंदर आए। तो ये जनाब आपका सवाल हुआ। आगे कहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 10 फाइंड्स दैट हिज प्रोडक्ट आर वेल रिसीव्ड इन कंट्री बी, कंट्री बी में उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ही प्लान्स टू सेटअप ए कंपनी इन कंट्री बी टू सेल हिज प्रोडक्ट्स, वो अब प्लान कर रहा है कि भाई अपने ही सेटअप कर ले, एजेंट को बीच में से हटा दे। नदीम भाई फारिग हो गए और वो कह रहा है कि मैं खुद ही आ जाता हूँ, खुद ही। एडवाइस 10 वेदर और नॉट ही शुड सेटअप ए कंपनी इन कंट्री बी टू सेल हिज प्रोडक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। बिल्कुल आ सकता है, आएगा तो उसको फ़ायदा ये होगा कि उसका फ्रेट एंड कमीशन वो बच जाएगा, कंट्रोल जो उसका लूज़ हो रहा है वो बच जाएगा, ये प्रॉफिट उसका प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा, और वो आने के बाद में जब सेटअप करेगा तो प्राइसिंग भी उसकी जो है वो कॉस्ट भी उसकी लोअर साइड के ऊपर आ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंट्रोल बढ़ जाएगा, रिस्क जो उसके हैं वो कम हो जाएंगे। और डिसएडवांटेजेस इसके सबसे बड़े ये हैं कि अवेयर उसको मार्केट की अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, मे बी उसकी कंट्री ए और कंट्री बी के दरमियान पॉलिटिकल रिफ्ट अगर हो रही है, और पॉलिटिकल रिफ्ट की सूरत में हो सकता है कल कंडीशन चेंज हो जाए, एक कंट्री दूसरे कंट्री से रिफ्ट भी होती है तो बाज़ूकात इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लग जाता है, तो सेटअप भी पूरे पूरे ख़राब हो जाते हैं। पॉलिटिकल रिस्क इसके अंदर बहुत बड़ा है, इकोनॉमी रिस्क बहुत बड़ा है, कि हो सकता है कंट्री बी अभी फ़िलहाल कंट्री बी की कंडीशन में भी आगे फ्यूचर के अंदर जो है, क्योंकि इसको लोअर
फेयर प्राइस के ऊपर बेचनी पड़ी तो हो सकता है कंडीशन, अगर इकोनॉमिकल कंडीशन कंट्री बी की सही नहीं है तो फिर इसकी प्रोडक्ट अभी तो लग रहा है कि भाई बेहतर हो रहा है, लेकिन हो सकता है आगे जाके जो रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है वो रिस्पॉन्स ना मिले, तो ही शुड बी वेटिंग फॉर सम टाइम कि वो देखे थोड़ा सा कि एक ही कंसाइनमेंट की बेस पे इतना बड़ा फैसला करना, तो अभी थोड़ा सा वो रुकना चाहिए उसको, वो देखे इस मार्केट को और जज करे, जितने रिस्क हैं उनको इवेल्युएट करे और उसके बाद में फिर इसकी तरफ जाए, तो ये इसका मेरा ख्याल होना चाहिए। ही कैन फुल्ली कंट्रोल द सेलिंग प्राइस, एडवांटेजेस ये हैं, ही कैन अवॉइड पेइंग कमीशन, कमीशन बच जाएगा इसका, ही कैन एक्सपेंड द मार्केट फॉर इस प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज इज रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, बी ही विल इनकर सेटअप कॉस्ट, जब सेटअप करेगा तो हो सकता है कंपनी लगाने के लिए जगह खरीदनी पड़ेगी, अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी खासी होगी इसकी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ही इज़ न्यू टू द मार्केट एंड डजेंट हैव सफिशेंट नॉलेज ऑफ द मार्केट, मार्केट की नॉलेज इसके पास सफिशेंट नहीं है, दिस कैन बी मोर रिस्की, पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है, ये तमाम रिस्क हो सकते हैं, तो ही शुड बी वेटिंग फॉर सम टाइम, आप लिख दीजिएगा इसके अंदर अगला करके कि ही शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन कंसाइनमेंट, इफ ही इज़ थिंकिंग के अपना सेटअप डाले तो ही शुड बी वेटिंग फॉर सम टाइम एंड मेट एंड शुड मेक टू और थ्री मोर कंसाइनमेंट एंड सी द रिजल्ट्स, व्हाट द रिजल्ट्स आर कमिंग, देन इफ ही इज श्योर अबाउट द थिंग्स के यार मेरी प्रोडक्ट भी है, आई कुड इन्वेस्ट मोर इन कंट्री बी, देन ही शुड बी गोइंग फॉर दिस वेंचर। तो दैट वॉज ऑल जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा, कंसाइनमेंट, कंसाइनी और कंसाइनर, ये सब कुछ हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, होप आपकी समझ में आया होगा, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।